दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के 3 ऑफर्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें लूट के आप फ्लैट 200 रुपए का कैशबैक कमा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको अमेज़न पे टू बैंक की एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू अगर आपके पास SBI का कैशबैक कार्ड है तब 40 से 50 हजार रुपए का अपना अमेज़न पे का बैलेंस बिल्कुल फ्री में निकाल पाएंगे। तो वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करना है तो फटाफट इन तीनों ऑफर्स को लूट के 200 रुपए का कैशबैक कमा लीजिए और फिर आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक भी कर सकते हैं, यानी आप ये 200 रुपए का कैशबैक कमा के क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कर दीजिए। फिर अगर आपको एक्सेस पेमेंट निकालना है तो उसकी भी मैं आपको आगे ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर तरह की लूट की अपडेट्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का सबसे पहला ऑफर आ रहा है पेटीएम की तरफ से। पेटीएम में क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पे आप जाएंगे, 25,000 रुपए का आप अमाउंट एंटर कीजिए, नीचे अप्लाई कैशबैक पे जाइए। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑफर दिखेगा पेटीएम कैशबैक अप टू 100, मेक बिल पेमेंट ऑफ ₹5,000 और मोर एंड गेट ₹100 कैशबैक। इसके लिए आपको प्रोमो कोड लगाना होगा CCBP100। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जान लीजिए। यहाँ पे आपको मिनिमम 5,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप केवल 5,000 या 5,000 से 10,000 का पेमेंट करते हैं तो आपको 25 रुपए का कैशबैक मिलेगा। 10,000 या 10,000 से 15,000 का पेमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। 15,000 या 15,000 से 25,000 रुपए तक का पेमेंट करेंगे तो आपको 75 रुपए का कैशबैक मिलेगा। और पूरे 100 रुपए का कैशबैक पाने के लिए आपको 25,000 या 25,000 से ऊपर का पेमेंट करना होगा तो आपको फ्लैट 100 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। तो मैं देखिए ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्रोमो कोड अप्लाई हो चुका है। अब मैं 25,000 का पेमेंट डेबिट कार्ड या UPI कहीं से भी कर दूंगा, 100 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। तो फटाफट 25,000 रुपए का पेमेंट करके 100 रुपीज का फ्लैट कैशबैक कमा लीजिए। चलिए दूसरे ऑफर की तरफ चलते हैं। दोस्तों दूसरा ऑफर आ रहा है बजाज फिनसर्व ऐप की तरफ से। यहाँ पे देखिए फ्लैट 50 कैशबैक ऑन क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। इसके लिए आपको मिनिमम 10,000 रुपीज का बिल पेमेंट करना होगा और इस ऑफर को आप एक बार ही लूट सकते हैं। तो फटाफट जाके बजाज फिनसर्व ऐप से अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कीजिए और फ्लैट 50 रुपीज का कैशबैक वहां पे कमा लीजिए। चलिए अब तीसरे ऑफर की तरफ चलते हैं। दोस्तों तीसरा ऑफर है मोबीक्विक की तरफ से। मोबीक्विक से आपको 12,500 रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करना है। आपको अप्लाई कूपन में जाके पक्का सीबी कूपन लगाना है तो आपको मोबीक्विक में 50 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। देखिए मैंने कूपन को अप्लाई किया, कूपन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब 12,500 का बिल का पेमेंट मैं कर दूंगा, फ्लैट 50 रुपीज का कैशबैक कुछ ही देर में मोबीक्विक अकाउंट में मिल जाएगा। तो इन तीनों ऑफर्स को लूट के आप 200 रुपए का कैशबैक कमा लीजिए। अब अगर आपको बिल पेमेंट नहीं भी करना तब भी आप तीनों बिल पेमेंट कर दीजिए। जो भी अमाउंट आप एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं आप उसे अमेज़न पे और एयरटेल मिनी KYC की ट्रिक को यूज करके वापस अपने अमेज़न पे अकाउंट में ले लीजिए और फिर अमेज़न पे अकाउंट से उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। इनकेस अमेज़न में एयरटेल मिनी KYC अकाउंट काम नहीं कर रहा है, करंटली अनेबल बता रहा है, तो आप इंडसइंड बैंक एयरटेल मनी ट्रिक को यूज कीजिए। वहां से तो आप बड़ी आराम से क्रेडिट कार्ड बैलेंस को बैंक अकाउंट में ले सकेंगे। अगर आपके पास इंडसइंड बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट को ओपन करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब चलिए आपको बताते हैं दोस्तों, अगर आपके पास SBI का कैशबैक कार्ड है तो आप 40 से 50 हजार रुपए का अपना अमेज़न पे बैलेंस बिल्कुल फ्री में किस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों SBI योनो गिफ्टर का ऑफर फिर से लाइव हो चुका है, जहां से आप अमेज़न का गिफ्ट कार्ड परचेस करेंगे तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप SBI कैशबैक कार्ड को यूज करके 10,000 रुपए का अमेज़न का गिफ्ट कार्ड गिफ्टर से परचेज कर लीजिए। आपको वहां पे 9,800 पेमेंट करने होंगे और 5% आपके कैशबैक कार्ड में आपको मिल जाएगा, यानी टोटल 7% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप 10,000 के दो वाउचर ले लीजिए, 20,000 के दो गिफ्ट कार्ड ले लीजिए तो आपको 1400 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया। अब दोस्तों ये जो 20,000 रुपए आपने अमेज़न के गिफ्ट कार्ड खरीदे हैं इसे आप एरोन पे के थ्रू क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दीजिए, वहां पे आपको 2.7% का चार्ज लगेगा। तो 20,000 का ये अमेज़न पे बैलेंस निकालने में आपको 540 रुपए का चार्ज लगा। हमने ऑलरेडी 1400 रुपए कमा लिए हैं, 1400 में 540 अगर आप लेस कर दें तो बचते 860 रुपए। इसे एरोन पे में चार्ज दे के आप अपने 30,000 रुपए का अमेज़न पे का बैलेंस और बिल्कुल फ्री में निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने पहले जो अमेज़न पे में बैलेंस ऐड किया होगा ऑब्वियसली वहां पे कमाया होगा। तो अब ये जो 20,000 का अमेज़न गिफ्ट कार्ड आपने अभी अभी खरीदा है SBI कैशबैक कार्ड से,
इस पे जो भी प्रॉफिट हुआ 1400 रुपए का, उसे आप एज अ चार्ज यूज कर लीजिए आपके बैलेंस अमेज़न पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, या फिर कहिए क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए। क्रेडिट कार्ड का बिल आप पेमेंट करेंगे, फिर उस पैसे को भी आप इंडसइंड एयरटेल मिनी केवाईसी ट्रिक या फिर अमेज़न एयरटेल मिनी केवाईसी ट्रिक के थ्रू वापस बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने 2-3 बार एसबीआई कैशबैक कार्ड से अमेज़न के गिफ्ट कार्ड परचेज कर लिए, हर बार मुझे 7% का प्रॉफिट हुआ। 2.7% का मैंने चार्ज दिया, 4.3% का प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट को मैंने अपने बैलेंस अमेज़न पे बैलेंस को निकालने के लिए यूज किया, तो एक तरह से ये बिल्कुल आपके लिए फ्री ही हो गया। तो फटाफट जाके ये 200 रुपए का कैशबैक कमाइए, 700 रुपए का प्रॉफिट कमाइए अमेज़न गिफ्ट कार्ड परचेज करके एसबीआई कैशबैक कार्ड से। और अगर आपके अमेज़न पे बैलेंस में और भी ज्यादा बैलेंस फंसा हुआ है तो इस प्रॉफिट को यूज करके उस बैलेंस को अपने क्रेडिट कार्ड में पेमेंट कर दीजिए, और फिर उस क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को मैंने जो बताया इंडसइंड एयरटेल या अमेज़न एयरटेल ट्रिक से वापस निकाल लीजिए। आशा करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को प्लीज एक लाइक करना ना भूले।